नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति के माध्यम से मैं लगातार देश के शास्त्रों यानी कि वेद कुरान पुराण पर रिसर्च करके आपके द्वारा आपके बीच में चर्चा करता हूं और विषयों को बहुत ही सटीकता से रखने की कोशिश करता हूं। तो आज का विषय है कि लगातार मानव की उम्र में जो कमी आती जा रही है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो आज हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि क्या मानव की उम्र जो घटती जा रही है इसे ये कंट्रोल कर सकता है या ऐसे ही लगातार 10, 20, 50, 100 सालों बाद मानव की उम्र में बहुत कमी आएगी। तो चलिए चरण को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमको मानव की उम्र से संबंधित चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले विषय को ये समझना होगा कि मानव की उम्र किन किन चीज़ों पर निर्भर होती है। तो आप इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझिए, जैसे कि आप किसी घर को बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल ईंटा, सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी इत्यादि किस क्वालिटी का है उसी पर डिपेंड करेगा कि वो घर कितने दिनों तक खड़ा रहेगा। अब किसी भी मानव की उम्र जो है वो जहाँ जिस माहौल में रहता है उस एटमॉस्फेयर में पड़ने वाले प्रभाव और उसके अंदर की शरीर की क्षमता दोनों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप समझिए, किसी मकान को सरिया, सीमेंट, ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी से बनाया जाता है तो उस मकान की जीवन या उसकी जीवन अवधि इसी बात से तय होती है कि उसमें लगे हुए मटेरियल्स कितने दिन तक उसको इस माहौल में खड़ा रख सकते हैं। जबकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 रहेगा और वायुमंडलीय प्रेशर जो एक नियत है उतना बड़ा बरकरार रहने पर वो मकान कितने दिन तक खड़ा रहेगा। सेम उसी तरह हम समझ सकते हैं कि जिस मटेरियल से हम अपने शरीर को बनाएंगे इस वायुमंडल के प्रभाव को झेलकर वो जितने दिन तक सही रहेगा उतने दिन तक आत्मा का इसमें वास रहेगा, जीवन रहेगा, आप जीवित रहेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि वेदों का एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, वृद्धि समाने सर्वेशां विपरीते सभी प्रया, यानी कि जो चीज़ें लंबी अवधि में तैयार होती हैं, जो फसलें लंबी अवधि में तैयार होती हैं उन फसलों का सेवन यदि हम उत्पन्न होने वाले अनाजों का सेवन यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन लॉन्ग रहेगा, लॉन्ग लाइफ स्पैन रहेगी, हमारा जीवन अवधि लंबा होगा। और यदि हम बहुत तेजी से जो चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं आज के विज्ञान और केमिकल्स का इस्तेमाल कर करके जिन पौधों को बहुत कम समय में परिपक्व बना लिया जाता है, जिन अनाजों का सेवन यदि हम करते रहेंगे तो निश्चित है कि हमारे शरीर की जीवन अवधि घटती चली जाएगी। और आज हमको समझना चाहिए कि जो चीज़ें बाजार में पैक्ड मिलती हैं हमको वो सारी लगभग इनऑर्गेनिक होती हैं। इस सच्चाई का खुलासा व्यवसायी अभी नहीं कर रहे हैं, ना भारत में इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा हो रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम है लेकिन वो अधिनियम भी किसी काम का नहीं है। आपको अपनी जानकारी और अपने जीवन को संभाले रखने के लिए खुद को जानकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं। जैसे जो लोग फल, सूखे मेवे इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं भोजन के रूप में वो लंबी अवधि तक जिएंगे और अनाज खाने वाला व्यक्ति कम अवधि तक जिएगा। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसको ना तो पब्लिकली किसी विद्वान ने इसको बताने की कोशिश करी और ना ही उसको परमिशन मिलता है। लेकिन इस चीज़ को आप जानिए कि जो चीज़ें लंबी अवधि में तैयार होती हैं, जो फसल लंबी अवधि में तैयार होती है वो आपके जीवन को लंबा रखेगी, लेकिन जो फसल कम अवधि में तैयार होती है अगर उसका सेवन आप करते हैं तो आपकी जीवन अवधि कम होगी। क्योंकि वेदों के वृद्धि समान सर्वेशां नियम के अनुसार से जैसे ही जो चीज़ आप सेवन करने जा रहे हैं यदि वो कम समय में तैयार हुआ है तो वह आपके जीवन काल को भी कम समय में पूरा कर देगा। और यदि आप ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं जो लंबे समय तक, पहले फल हुआ फिर पका, लंबा समय लिया और तैयार हुआ तो आपकी जीवन अवधि लंबी होगी। ये एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादातर लोग, हमारे मित्र आजकल के डेटा को देखकर जो डेटा साइंस के लीक किए जाते हैं यूट्यूब या नेट पे वायरल होते हैं कि आपको इतने कैलोरी चाहिए, इतना एमजी चाहिए, इतना, इन सब डेटों के चक्कर में पड़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है उस समय आप इसे भोजन कराएं, जिस समय आवश्यकता महसूस ना हो, आपको भूख ना लगी हो उस समय भोजन ना कराएं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने पाचन तंत्र को सही रखने का और किए गए भोजन का सही इस्तेमाल शरीर को हो सके ऐसे के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आज आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आज फिर विदा लूंगा।